हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गाइज आप सभी लोगों का टाटा आईपीएल के नेक्स्ट मैच में। और गाइज ये मुकाबला मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच गाइज ये मैच 11 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है। अगर दोस्तों इस मैच में अगर आप मेगा ग्रैंड लीग को टारगेट करना चाहते हो तो आप गाइज आपको दो बात ध्यान में रखनी चाहिए। देखो भाई यहाँ पर क्या है ना कि भाई देखो जो भी लोग ग्रैंड लीग की टीम अगर आप खुद से बनाते हो तो भाई क्या वो करते क्या है भाई गाइज वो देखो दोनों टीमों के ओपनर को अपनी टीम में ले लेते हैं। और भाई देखो दोनों टीमों के ओपनर का भाई यहाँ पर क्या है ना कि देखो भाई वानखेड़े स्टेडियम में शुरुआती दो तीन ओवर क्या है कि बॉल स्विंग यहाँ पर ज्यादातर होती है। तो भाई देखो यहाँ पर क्या है कि ओपनर आपके लिए उतने बढ़िया पिक नहीं है। यहाँ पर आपके लिए सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, उसके अलावा कैमरन गेन और गाइस देखो यहाँ पर आपके लिए मतलब जो बल्लेबाज नीचे बैटिंग करने आते हैं देखो उन्हीं को आपको अपनी टीम में लेकर चलना चाहिए। तो गाइस आइए जानते हैं इस मैच में हमारी टीम क्या रहेगी। और दोस्तों पिच को देखते हुए गाइस हमारी टीम बनने वाली है तो भाई मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखना। गाइस वीडियो में आपको मैं स्मॉल की टीम भी दूंगा और गाइस उसके साथ मैं आपको दो से तीन प्लेयर गाइस देखो मैं आपको ऐसे देने वाला हूँ जो कि भाई आपके लिए ग्रैंड लीग में गाइज आपके लिए ट्रम्प कार्ड ऑप्शन रहने वाला है। तो गाइज पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर विकेट कीपर ऑप्शन से। भाई देखो विकेट कीपर में ना हमारे पास दो चॉइस रहने वाला है, ईशान किशन और दिनेश कार्तिक। अब देखो यार दिनेश कार्तिक एज अ फिनिशर है, देखो इनकी बैटिंग तो आई ही है बट गाइज देखो रिस्की रहेगा क्योंकि भाई देखो इनकी जो बैटिंग लाइनअप है थोड़ी सी नीचे बैटिंग करने आते हैं और भाई देखो क्या पता इनकी बैटिंग आज ना भी आ पाए। ठीक है तो गाइज देखो फिलहाल मैं सेफ जाने के लिए मैंने अभी के लिए ईशान किशन को लिया है। बाकी अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर देखो दिनेश कार्तिक को भी आप ले सकते हो बट गाइज देखो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बात करें यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से तो भाई देखो मैंने आपको जैसा कहा कि दोस्तों शुरुआती दो तीन ओवर में बॉल यहाँ पर स्विंग करती है। तो अगर आप देखो मुंबई इंडियंस अगर पहले बैटिंग कर रही है तो आप देखो इस मैच में रोहित शर्मा को ड्रॉप करना, और अगर आरसीबी पहले यहाँ पर बैटिंग कर रही है तो आप यहाँ पर इस मैच में विराट कोहली को ड्रॉप कर सकते हो। बट भाई देखो ड्रॉप करना आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क रहेगा क्योंकि भाई देखो ये अल्ट्रा फॉर्म में चलते हुए आ रहा है। तो भाई देखो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर विराट कोहली को लिया। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव फॉर्म डू प्लेसेस का भाई देखो रिकॉर्ड है ना इस वैल्यू पर काफी गाइज शानदार है। तो अगर आप इन्हें एज अ रिस्की अगर आप ग्रैंड लीग में सीबीसी भी अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप दोस्तों आप फॉर्म डू प्लेसेस को आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। इसके अलावा भाई देखो तिलक वर्मा आपके लिए सेफ ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है और गाइज इस वेन्यू पर काफी शानदार इनका रिकॉर्ड भी रहा है। इसके अलावा दोस्तों देखो इस मैच में आई थिंक देखो रजत पाटीदार के प्लेस पे महिपाल लोमरोर को देखो टीम रिप्लेस करने वाली है। तो अगर गाइज महिपाल लोमरोर खेलता है तो आपके लिए गाइज परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है बाकी दोस्तों फिलहाल के लिए मैंने गाइज यहाँ पर अभी के लिए मैंने चार बल्लेबाज को लिया है। अगर आपको सेफ जाना है तो आप यहाँ पर अपनी टीम में रोहित शर्मा को भी आप ले सकते हो। ठीक है ऑलराउंडर ऑप्शन की गाइज अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो ऑलराउंडर में आपके लिए ग्लेन मैक्सवेल, हार्दिक पांड्या, कैमरन ग्रीन और रोमारियो शेफर्ड देखो भाई ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि आपको बैटिंग बॉलिंग आपको ये दोनों करके देने वाले हैं। ठीक है इसके अलावा भाई यहाँ पर मोहम्मद नबी है जो कि भाई यहाँ पर स्पिनर है और देखो यार स्पिनर का इस वेन्यू पर कोई ज्यादा भाई चलता नहीं है। गाइज जो ये वेन्यू है भाई देखो पेसर वेन्यू है यानी कि गाइज यहाँ पर फास्ट बॉलर का गाइज यहाँ पर दबदबा रहता है। तो गाइज देखो अभी के लिए मैंने यहाँ पर हार्दिक पांड्या, कैमरन ग्रीन, रोमारियो शेफर्ड और गाइज मैंने अभी के लिए ग्लेन मैक्सवेल को लिया है। बाकी हाँ भाई अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप इस मैच में मोहम्मद नबी को भी आप देखो ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ भाई देखो रोमारियो शेफर्ड की जो बैटिंग है ना देखो थोड़ी सी नीचे आती है क्योंकि देखो एज अ फिनिशर ही इनकी बैटिंग आएगी और देखो यार पिछले मैच में तो भाई इन्होंने काफ़ी बढ़िया फिनिश किया था बट देखो ऐसा नहीं हुआ कि ये बार बार सारे मैच में एज अ फिनिशर ही फिनिश करने वाला है। ठीक है भाई देखो यार आप एज अ बॉलर भी आप इन्हें ले सकते हो क्योंकि भाई देखो मुंबई इंडियंस की टीम अगर पहले बॉलिंग करने आए तो फिर देखो रोमारियो शेफर्ड आपको डेथ ओवर में भी देखो आपको बॉलिंग करते हुआ दिख सकता है। ठीक है बात करें भाई यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप की तो भाई देखो बॉलिंग में यहाँ पर जसप्रीत बुमराह आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा देखो अगर आप जाना चाहते हो तो भाई देखो गैलार्ड कोर्जे के साथ जाओ या फिर आपके लिए रेस टोपली भी बढ़िया ऑप्शन रहेगा। तो भाई अभी के लिए मैंने रेस टोपली को अपनी टीम में लिया है। बाकी हाँ भाई अगर मुंबई इंडियंस यहाँ पर पहले बॉलिंग करती है तो हाँ भाई एक बार ध्यान रखना रोमारियो शेफर्ड और जसप्रीत बुमराह आपको डेथ के ओवर में बॉलिंग करके देंगे और अगर यहाँ पर आरसीबी पहले बॉलिंग करने आती है तो फिर गाइज आपको यहाँ पर कैमरन ग्रीन और रेस टोपली आपको यहाँ पर डेथ के ओवर में बॉलिंग करके देने वाला है। ठीक है बात करें भाई यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे लिए कौन कौन से प्लेयर रहेंगे तो भाई अगर आपको सेफ जाना है तो फिर आपके लिए कैप्टन विराट कोहली जो कि भाई देखो शानदार फॉर्म में आ रहा है, पिछले मैच में भी भाई इनके बल्ले से सेंचुरी आया था। और वीसी के लिए भाई आपके लिए चॉइस हार्दिक पांड्या रहेगा जो कि नंबर तीन नंबर चार पर भाई आपको ये बैटिंग के साथ आपको ये अपने कोटे का भाई देखो तीन से चार ओवर बॉलिंग भी फेंकता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है उसके अलावा देखो कैमरन ग्रीन भी आपके लिए अच्छा चॉइस है भाई इस वेन्यू पर, भाई देखो इन्होंने एमआई के लिए गाइस बहुत मैचेस भी खेले हैं तो गाइस आपके लिए कैमरन ग्रीन भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी दोस्तों अभी के लिए मैंने यहाँ पर हार्दिक पांड्या को एज अ वीसी मैंने ट्राई किया, बाकी अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है तो भाई यार ये हमारी ना स्मॉल लीग की टीम बन के रेडी होगी। इस टीम के साथ में देखो दो मेंबर, तीन मेंबर और गाइस देखो मैं चार मेंबर तक के किसी भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करके मैं इजिली क्लीन स्वीप कर सकता हूँ। ठीक है बाकी भाई आपके लिए थोड़ा सा अलग हट के चॉइस रहेगा, इसके आप ऐसे आप भाई देखो रिस्की चॉइस ही बोल सकते हो। देखो भाई चॉइस आपके पास फॉर्म टू प्लेसिस का रहेगा, सूर्य कुमार यादव जो कि भाई पिछले मैच में डक आउट हुआ था बट भाई देखो प्लेयर यार खास है आप सभी को यार मालूम है और देखो भाई जब ये चलता है तो फिर भाई ये एक तरफा मैच को लेकर जाएगा तो फिर भाई आपके लिए चॉइस डुप्लेसिस और सूर्य कुमार यादव दोनों रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहो तो अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो फिर आप अपनी टीम में तिलक वर्मा के साथ या फिर
आप देखो कैमरन गेन का देखो आप इस मतलब कॉम्बिनेशन के साथ भी आप एज अ ग्रैंड लीग में आप एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप इन्हें देखो अपनी टीम में पिक कर सकते हो ठीक है। बाकी भाई अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो ना भाई, देखो भाई ग्रैंड लीग में आपके लिए दो तीन प्लेयर आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और भाई फाइनल टीम के लिए आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ही ज्वाइन करना होगा, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले ऑलरेडी दिया हुआ है। तो भाई मेरे जाओ जाकर एसएल चैंप चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो, मेरी आपको फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको मैं सब कुछ बिल्कुल फ्री में मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ भाई अगर लिंक से ज्वाइन होने में कोई दिक्कत आती है तो आपको टेलीग्राम ऐप को ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है @SLChampTeam। गाइज आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो तो फिर गाइज आपको यहाँ पर हमारा सेम चैनल आपको देखने को मिलेगा, फिर गाइज आप यहाँ पर चाहो तो आप देखो ज्वाइन भी कर सकते हो ठीक है। बाकी भाई देखो फिलहाल के लिए अगर आप ग्रैंड लीग खेलो तो फिर भाई आपके लिए दिनेश कार्दिक, क्योंकि भाई देखो आरसीबी की बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी वीक है तो देखो दिनेश कार्दिक की बैटिंग आई जाएगी। इसके अलावा देखो भाई बैटिंग ऑप्शन में कई जहाँ पर आपके लिए रजत पाटीदार भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर मैं ऑलराउंडर की बात करूँ तो भाई देखो इस मैच में आपके लिए ना देखो कैमरन गेन आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। कैमरन गेन का गाइस सिलेक्शन परसेंट 60% के आसपास है, बट देखो पिक आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। बॉलिंग ऑप्शन की गाइस अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर आपके लिए मधवाल अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा अगर इस मैच में लॉकी फर्गसन खेलता है या फिर अगर इस मैच में भाई विल जैक्स खेलता है तो फिर गाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई विल जैक्स और लॉकी फर्गसन। तो भाई देखो आप इन चार पांच प्लेयर के साथ भी आप एज अ ग्रैंड लीग की टीम आप देखो बना सकते हो ठीक है। तो भाई फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई वीडियो को आप कर दो यार लाइक, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आपसे भाई को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक।